कृषि दर्शन देखैया सबो संगवारी हो, राम राम। संगवारी हो, देखो किसान मन ह 12 महीना साग भाजी खेती करते, और बहुत से संगवारी मन तो दूसर भी फसल आजकल लेक चालू कर दे, जैसे फल है, फूल है, लेकिन बहुत से किसान मन साग भाजी जो खेती करते संगवारी हो, ओमा रमकेलिया के भी गजब मांग रही थे बाजार में, तो जल हमन भिंडी तको कथन ओकरो किसान मन खेती करते। तो आज हमन चर्चा के विषय रखे हैं संगवारी हो कि भिंडी के उन्नत खेती कैसे करे जाए, वो खेती चर्चा करबेज करबो, लेकिन अब बेरा हो गए है आप मन पर एक ठन खास संदेश के, तो देखा खास संदेश। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें, और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है, और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी, और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूँ? हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो, संदेश देखे हो तो बने लागिस ना उहु कुछ सीख के और प्रेरणा के हमारे इथे संगवारी हो संदेश है। अब भाई अब चर्चा करण हमन अब पहुंच गए गांव अमलेसर, पाटन ब्लॉक दुर्ग जिला में पड़ते गांव। यहाँ के एक जन मयारू संगवारी है धीरेन्द्र शर्मा जी, वो है रमकेलिया के खेती करते। तो रमकेलिया जिले हम भिंडी तको कथन कैसे खेती करते आवा उकरे से गोट बात करण। राम राम भैया। राम राम भैया जी। से आप मन है रमकेलिया जिले हम भिंडी तको कथन ओकर खेती करत है। रमकेलिया जिसे खेती कर किसान मन है तो सबले पहली बात आते जमीन के, तो जमीन कौन सा प्रकार के होना चाहिए, आपके कौन सा प्रकार के जमीन है जिसमें भिंडी लगाए हो। मेरा जो जमीन है वो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में अच्छी प्रकार से भिंडी का पैदावार कर सकते हैं। इसमें जो हम अभी पहली बार भिंडी लगाए हैं इसका जो है उत्पादन हमको काफ़ी मात्रा में मिला है। इससे पहले कि हम अपना खेत की तैयारी शुरू करते हैं, खेत की तैयारी में क्या है, बरसात की भिंडी है, बरसात से होने से पहले इसको जुताई दो बार कर देते हैं, फिर अच्छे से पाटा चला देते हैं। पाटा चलाने के बाद हाथ से मेड़ बना देते हैं डेढ़ फीट पे करीब, अगर डेढ़ हाथ से नहीं बनता तो एक ट्रैक्टर के द्वारा हैरो लगता है, हैरो से मेड़ बन जाता है। फिर अपन मन बीज का सिलेक्शन करता, बीज में क्या करते हैं अच्छे वैरायटी होनी चाहिए बीज की, जिसमें 98% जर्मिनेशन होना चाहिए। धीरेन भैया जिसे आप मैं शुरू में अभी कहे हो माटी के तैयारी के समय दो बार इला जुताई अच्छा से करता नहीं से कहे वर्षा काल के पहली है ना, उगर बाद पाटा चला था, तो दो बार काबर जोतना चाहिए रमकेलिया खेती जिसे करना है। एक बार जिसे कोई किसान जोता थे तो उकर से कुछ नुकसान हो ही का। हाँ, उससे नुकसान है ना, दो बार जुताई इसलिए करते हैं कुछ खरपतवार आते हैं वो धूप से मतलब मर जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं और अच्छे प्रकार से मिट्टी खिलने लगती है और एयर पोरोसिटी बढ़ जाती है जिससे मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अब जिसे बात आते कि आप मन हाईब्रिड लगाए हो या उन्नत किस्म के रमकेलिया लगाए हो तो एकर बीजा आप मन लाने हो कि नर्सरी तैयार करे रहे हो। एक भिंडी के नर्सरी नहीं तैयार करना पड़ता है, इसका बीज आता है, बीज को दो दो दाना तीन तीन दाना कम से कम एक फीट या छः इंच के में लगा देते हैं मेड़ पर, जिससे अपने निराई गुड़ाई करने में भी आसान रहता है। पौधा लगा डरे बाढ़ा थे पौधा है तो उसका बेर हमला खाद देना पड़ी कि जमीन के तैयारी के समय भी आप मन कुछ खाद मिलाए हो। अपन खेत के तैयारी में भी गोबर का खाद जो रहता है एक ट्राली करीब एक एकड़ में डाल देते हैं, उसके बाद वो बीज के साथ थोड़ा सा डीएपी या पोटास मिला के मतलब 10-10 ग्राम के करीब पड़ना चाहिए लगा देते हैं। जैसे ही मतलब अपना पौधा 6 इंच या 8 इंच का हो जाता है तो एक बार और खाद कुछ एंजाइम मतलब मार्केट में मिलता है उसको मिला के साथ में डाल देते हैं, अपना जो है 15-15 दिन के या 20 दिन में खाद डालेंगे अपना उपज लेते जाते हैं। ये बताते हो किसान मन जो आज हमारे कार्यक्रम में देखा थे वो मतलब ये जानकारी होना चाहिए कि गोबर खाद आप काबर मिलाए हो। गोबर खाद मिलाने से क्या होता है कि जो मिट्टी में किसी प्रकार का जीवाणु या बैक्टीरिया रहता है रोग लगने के चांस कम होते हैं, उर्वरा शक्ति जो कम रहती है वो गोबर के खाद से मिल जाता है। जैसे अब रोग राई की बात आप शुरू करे हो आप मन है तो ये बताते हो कि रमकेलिया में कौन सा समस्या आते हैं। ज़्यादातर बरसात के सीजन में माहों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इसको 15-15 दिन में कम से कम स्प्रेयर छिटना मतलब छिड़काव करना चाहिए जिससे माहों के प्रकोप खत्म हो जाता है और किसी प्रकार का रोग बरसात में तो दिखता नहीं है। पानी के प्रबंधन हमला करना है रमकेलिया पर तो आप मन कौन सा तरीका से पानी पिलाओ था ये में और कतेक दिन पानी देना चाहिए रमकेलिया में। अभी बरसात का सीजन था, अगर बरसात के सीजन में सबसे बड़ी बात ध्यान जो क्यारी बनाते हैं पानी का समुचित निकास होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर 15 दिन बरसात नहीं होता तो अपने को 15 दिन में सिंचाई कर देना चाहिए,
15-15 दिन में जितना अगर बीच में बरसात हो जाता है तो पानी की आवश्यकता नहीं है। पहली घाव तोड़ना है ला, तो कतेक दिन में पहली घाव तोड़े के लिए हो जात हुई है? करीब 25-30 दिन के बीच में तैयार हो जाता है। क्या हाइब्रिड के बीज होता है, शुरू में जैसे 2-3 पत्ते लगते हैं इसमें फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, तो उस समय अपन 25-30 दिन में तोड़ना शुरू कर देंगे। 25-30 दिन मतलब महीना भर में पहली घाव तोड़े के लिए हो गए। ओकर बाद ये रमकेलिया ला कतेक महीना तक हमन हाला फसल ला ले सकत हन? एक 1.5-2 महीना तक इसका मतलब ले सकते हैं, और खाद पानी और का समुचित व्यवस्था रहा तो अपन 1.5-2 महीना तक इसका फसल ले सकते हैं। दूसरे तीसरे इसके तोड़ाई होती रहती है, जिससे फसल मतलब वो जो बीज है पकने नहीं पाता है, अच्छे प्रकार का जो है भिंडी तैयार हो जाता है। तो धीरन भैया आप मन हमारे से गोड बात करे हो, किसान मतलब बताया हो कि रमकेलिया खेती आप मन कैसे करा था, और अच्छा बात है कि आप मन फायदा उठा था और हमारे युवा संगवारी मतलब संदेश दे हो तेरह बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहर भैया। संगवारी हो देखे हो धीरेन भैया है एक ठन बात हमारे युवा संगवारी मन ला कही से संगवारी हो महू कहा था कि आपो मन आज के जो हमारे कार्यक्रम ला देखा था रमकेलिया खेती हो भैया पहली घाव तो कोनो कोनो चीज ला शुरू करेल पड़ी संगवारी हो, ऊंच नीच हो सकत है ओला सहे के शक्ति हमर में होना चाहिए। ये तो चलत है अभी रमकेलिया खेती के बारे में चर्चा, अब बेरा हो गए है आप मन बर एक ठन गीत संगीत सुना के, तो लेवाओ देखाओ एक ठन गीत ओकर बाद फिर शुरू करवो चर्चा ला। और बताओ? बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आज माता मैना है बड़ा सुंदर गोदी में बैठार करके मोला भोजन खवावत हवे रागी भाई। बड़ा गोपी चंदा बड़े आनंद से भोजन करे। वो समय में मैना माता है तन का सोचा थे जी तेले आगे के मारे। ए बेटा गोपी, हाँ ले ले बेटा मोरा भोजन खा ले लाला आगे का भोजन। भोजन बेटा तो लगा दे मोर भोजन ला तेहारा बेटा। देख तो भगवान, आज मैना माता है बड़ा सुंदर प्रेम से अपन बेटा गोपी चंदला साधु समझ के भोजन खवाए हवे। लेकिन माता मैना की आत्मा है बेटा पर ख्याल लगेगे। वो समय में बेटा गोपी चंदा है क्या सोचते थे, मोर बिनती सुन ले दाई दस उंगली के माता पैया। काय बेटा? अच्छा माँ काय? आज देख तो मैं तो हसन भोजन खवाबे के हैं। आई मैं तो भोजन खिलावत हूँ बेटा। रोबा तो ये भोजन ते हटाइए मोला ये आज खवावत हवे। आज रोके कारण ते बता दे माँ। का बताऊँ? ये कारण का है तो रोके। सुना थसगा? हाँ। काला बताऊँ बेटा माँ। राजी भैया तो
तोरे जैसे मोर छोटे से बेटा निकल गए बेटा। हाँ। गोपी चंद नाम के देख तो भगवान तेकर सुलता आगे बेटा आँख में आंसू का मोर संगवारी हो बने लागिस ना गीत संगीत सुने तो भाई छत्तीसगढ़ के गीत संगीत ऐसे है कि मन ह झूम जाते और काम बूता करत जिसे कोनो गीत संगीत सुनत रिबे या गुनगुनावत रिबे नहीं तब बढ़िया लगते। जिसे ददरियक बोल रही थे संगवारी हो मनखे ह निंदाई कोड़ाई करत थे ददरियक बोल ल गुनगुनावत रही थे ऐसे ददरियक बोल फूटते छत्तीसगढ़ में। तो अब हम चर्चा करबो संगवारी हो रमकेलिया खेती जिसे है करत है किसान मन ह। तो हमार तीर अभी खड़े है सोनल शर्मा जी जो न ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद में है और गाँव गाँव किसान ल जागरूक करत थे अच्छा उन्नत खेती के। रमकेलिया खेती के बारे में ओकर से चर्चा करथन कि कैसे करे जाए। मैडम राम राम। राम राम भैया। जैसे किसान मन है मैडम रमकेलिया खेती करत है तो वो मन है जिसे अपन हिसाब से करत है कुछ जानकारी लेना रहते तो आपसे भी सलाह लेते। तो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है यहाँ के जो माटी है यहाँ के जो भूमि है यहाँ के जो किसान मन के सोच भी है ओकर हिसाब से आप का संदेश देना चाहू कि रमकेलिया खेती के कतेक संभावना है बाजार ला मांग के देखते हुए। जैसे कि आप खुद ही बोले कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से भिंडी के का उपयोगिता है करके, लेकिन ये बात आप सोच सकत हो कि बारह महीना हम भिंडी सब्जी आजकल बाजार में देख डरथन चाहे वो 60 रुपया किलो हो चाहे 20 रुपया किलो है ना। तो एकर मतलब ये है कि हमला 12 महीना वो सब्जी ला खाए की आदत तो हो चुके है और आदत हो गई मतलब ओकर मांग भी हमला है पूरा करेल पड़ी तो कहाँ करे जाए खेत में हो ही। अब ये बात है कि एकर खेती कौन करे कैसे करे और मा फायदा है कि नहीं। तो खेती में चाहे वो आप 0% इन्वेस्टमेंट कहो चाहे कुछ भी कहो लेकिन इमा फायदा जरूर होते। हाँ भाई ये है ऊपर नीचे अगर मौसम की मार हुई या आप ओला ध्यान नहीं दे पाए तो घाटा हो सकते है लेकिन इमा फायदा नहीं है इसे कोई फसल नहीं हुई। और जाहिर इस बात छत्तीसगढ़ के जलवायु के तो यहाँ सबसे अच्छा उपयुक्त माटी पाए जाते जलवायु में आपला हवा पानी भरपूर मात्रा में मिलते। और रही इस बात गर्मी के तो गर्मी में ये है कि हम जहाँ स्ट्रॉबेरी खेती करत हन अंगूर के खेती करत हन जो एहती बार के फसल नहीं माने जाए उला भी हम आजकल शुरू कर दे हन। तो ओमा भिंडी जैसे फसल पर हमला जलवायु देखे के कोई आवश्यकता समझ में नहीं आवत है लेकिन हाँ अगर अच्छा से करूँ तो इमा फायदा बहुत है। तो ये कहन कुल मिला के कि किसान में यदि आज के कार्यक्रम में देख के कुछ सोचत हो ही मन में तो संभावना बहुत है बस करे के जरूरत है ना। अब भिंडी के जिसे रमकेलिया के हम चर्चा करत रहे तो माटी के बाद जिसे मैं पूछूं आपसे कि एकर जिसे खेती करे किसान मन तो कौन सा प्रकार के माटी रहा ये में और ओकर तैयारी कौन ढंग ले करे ऐसे है। सबसे पहले तो एमा हम ये समझ लें कि सब्जी पर फल पर काली मिट्टी सबसे उपयुक्त ही माने जाते हाँ लेकिन कई सब्जी ऐसे रहते जिनमें पानी की निकासी बहुत जरूरत रहते तो ओमा हम थोड़ा से रेतीला मिट्टी के उपयोग करते हैं लेकिन एक बार काली मिट्टी पर्याप्त है। एमा हमला पानी की निकासी देखे बार मिट्टी के या खेत के ढाल देखे की जरूरत पड़ते काबर एमा हम हर 15 दिन में या पानी देवो इसे कहते हैं। अगर बरसात में हम फसल लगाते हैं तो पानी भरे मत एक हमला ध्यान रखना पड़ते तो एक स्थिति हमला ओकर ढाल ला देखे पड़ते। एक बार मिट्टी कड़ा है अगर हम पहली बार कर रहे थे तो बहुत दिन से वो भूमि में कोई भी प्रकार के फसल नहीं लगे है तो हमला का है ओकर जुताई बहुत अच्छा से कम 2 जुताई करना चाहिए। पहला जुताई हम करते हैं ओकर बाद का है वहाँ कुछ जो बन कचरा रिथे वो ऊपर आते वो धूप पड़ते वहाँ नष्ट हो जाते तो ओला फिर हम दूसरा जुताई करते हैं। दूसरा जुताई के समय हमला का है लगभग 1 एकड़ में वही 1 ट्राली करीब हमला गोबर खातू डाल देना चाहिए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है गोबरे खातू का डाली गोबर खातू में का है बहुत सारे ऐसे जीवाणु रहते जो हमार मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व रहते जो हमार पौधा पर बहुत जरूरी थे है ना ओला का है वो मन एक्टिव कर देते
मतलब संचारित अवस्था में कर देते हैं। काहे कोई भी आदमी ला कोनो आलसी आदमी रही तुलना इसे कोच के बर लाग देना तो वैसे माटी में भी कुछ कुछ ऐसे तत्व रहते जो ला कोच के बर लगते तो वो जीवाणु में ना कोचकते तो वो उठते तो हमारे पौधा ला मिल जाते हैं। और भुरभुरा रहते मिट्टी है दो तीन बार जोताई करे से तो वहाँ काहे पकड़ जड़ के बहुत अच्छा हो जाते हैं। ओकर बाद हम पानी पा देतन तो पानी से काहे वो पौधा ला मजबूती मिल जाते और सब प्रकार के पोषक तत्व तो मिल जाते। तो जोताई ये नाम से बहुत जरूरी है। बोए के भी बहुत बड़े महत्व होते कोनो भी फसल होए दूरिया कतका होना चाहिए कतका कतका पौधा के दूरी होना चाहिए काबर की जो पौधा है एक दूसरे ला बढ़वार बर भी आप मन बताता हो कि जगह वाला मिलना चाहिए बढ़वार बर। तो रमकेलिया के जो बोआई के तरीके है वो कैसे होना चाहिए आप देख सकते हो ये फील्ड में जो न खेती करे है मिश्रा जी है तो उमा हम एक से डेढ़ फीट के क्यारी बनाए हैं। वो क्यारी में भी पौधा से पौधा की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच बीच लगभग हवे। ये बहुत जरूरी है काबर वो बढ़ते भी बहुत अच्छा से काबर जब हम एक ही जगह इसे 100 आदमी खड़े कर दे तो हवा पानी कहाँ मिल लीजिए। एक सीती थोड़ा अलग अलग खड़े करे जाते हैं पंक्ति में ताकि ओला भरपूर मात्रा में पानी और भरपूर मात्रा में खनिज लवण मिल सके। तो ये डिस्टेंस हमला मेंटेन करना चाहिए एक अंदाजी तौर पे। अब इंच टेप नाप वाले बात नहीं है लेकिन एक अंदाजी कम से कम एक से डेढ़ फीट के रो से रो के दूरी और पौधा से पौधा की दूरी कम से कम 30 से 40 के बीच में रहना चाहिए। अब बात आते पानी के जिसे मैं बताता हूँ कि वर्षा काल में निकासी भी होना चाहिए जगह पानी 15 दिन नहीं गिरे तो पानी पलोए भी हमला ध्यान देना चाहिए। तो कतेक पानी लग जात हो ही रम के लिए खेती पर कतेक दिन में हमला देखते रहना चाहिए पानी पलोना है इसे की वैसे ये जो फसल होते वो लगभग 2 महीना के फसल होते। फसल में आप मान लो कि अगर बरसात नहीं होते तो हमला 3 पानी तो देर लगते थे है ना। और अगर बरसात होते तो 1 या 2 भी हमारे पर पर्याप्त होते। बरसात के ऊपर है और बरसात कतका मात्रा में होते एकर ऊपर भी है। कभी कभी बहुत बरसात होते तो हमला होकर निकासी का व्यवस्था करना चाहिए और उतका पानी हमारे प्लाट में रखना चाहिए जेमा वो का है 10 दिन मतलब सस्टेन कर सके। समस्या के जिसे हम बात करें दूसर फसल में समस्या आ जाते रमकेलिया में कतेक समस्या आ जाते रोग है व्याधि है कीड़ा मकोड़ा है जेला किसान मन ज्यादा नुकसान झन हो और रोग राई कुछ लगते तो उकर उपाय कैसे करे उकर से बचाव कैसे करे किसान मन। एमा ऐसे है रोग तो लगते हर फसल में लगते है आजकल एकर स्थिति रोग लगते काबर कोई भी सीजन के कोई पर्याप्त मतलब समय नहीं निश्चित समय नहीं है। हाँ भाई 4 महीना बरसात है 4 महीना ठंड है इसे वाले बात नहीं है। कभी भी बरसात होते कभी भी ठंडा कभी भी गर्मी हो सकते है। तो एमा का है हम 2-3 प्रकार के एमा बीमारी देखथन एक में वाइट चकता चकता हो जाते और पाउडर कस उमा वो हो जाते। तो ये का है हमला प्रथम सप्ताह में नजर आ चालू हो जाते लेकिन पुराना पत्ती मन में पहली नजर आ जाते। तो ये का है एक बार हम ना मेलाथियन या डाइक्लोरोवास ऐसे टाइप के टाइजोफॉस है ना ऐसे टाइप के दवाई के उपयोग कर सकते हैं। एक फेंटाप करके एक दवाई आते मार्केट में तो ओला का है हम लास्ट तक उपयोग कर सकते हैं। मेलाथियन है डाइक्लोरोवास है ये तो हमेशा अक्सर हम 3-4 दिन सप्ताह भर तक यूज करते हैं। ये हुई समस्या के जिसे दिखा थे तो निरीक्षण करते रहना चाहिए पत्ता माला देखते रहना चाहिए सब बात आगे। अब जिसे 1 महीना के अंतर्गत ये तैयार हो जाते पहली घाव लेके लिए तो वो समय ठीक है कि अब रुकना चाहिए कि या कुछ देखना चाहिए कि कतका बड़े हो गए बाजार में लेके लिए कैसे की करम के लिए तोड़े पर। आजकल हर आदमी ये सोचते है जिसे हम थोड़ा ना तुरंत बाजार में बेचन थोड़ा 2 दिन भी वो फसल रुकना नहीं चाहिए नहीं तो वो बासी कहलाते। पहली पहले जैसे भी राहत रीस हुई तो अब का है और एक साथ साथ लोगन थोड़ा भी गुणवत्ता में जो है तालमेल ऊपर नीचे समझ करना उचित नहीं समझे। तो हम जैसे ही ओला मतलब देखते हैं कि 4 से 5 सेंटीमीटर के हमार फसल हो गए है और थोड़ा मोटाई भी होकर पर्याप्त है जिसे बाजार में मांग है और वैसे हमला होकर तोड़ाई करना चाहिए। लेकिन ये है कि ओकर हम समझ लें कि ओकर कैटेगराइज कर लें है ना वर्ग में बांट लें कई ठो का है जुर्रहा टाइप के लिए जाते फिर भी अतका दिन में भी थोड़ा मोटा जल्दी ओकर बाढ़ हो जाते तो जुर्रहा हो जाते कई ठन एकदम नरम होते। तो आप देखा तो कोचिया मन अक्सर ये काम करते हैं कि अलग अलग बना के रखे छटाई करके रखे रहते तो वैसे हमला छाट लेना चाहिए उही तरीका से बोला
बेचना भी चाहिए। सोनल मैडम, आप हमारे से गुड़ बात करे हो, किसान मन ला बताए हो रमकेलिया खेती कैसे होना चाहिए तेकर बारे में। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय जोहर। जय जोहर। तो संगवारी हो, आज के जानकारी आप मतलब बहुत अच्छा लागी, सो ही हमन ला चिट्ठी पाती ली कि आप मन हा गोड़ बात कर सकत हो, हमारे कार्यक्रम हा कैसे लागथे एला बता सकत हो, एकर बर हमार पता ला लिखाओ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। तो ये पता में चिट्ठी पाती जरूर लिखो संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए है। जय जोहार, राम राम।